I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and it is my email ID. The lecture will be in bilingual mode and will be useful for various teaching examinations, as we are going to cover a new theory of personality, that is Eysenck's theory of personality. So let's start. हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तित्व पर. व्यक्तित्व पर हमने कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पर बात कर ली है, हमने मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी पर बात कर ली है, और हमने दो थ्योरी भी पहले कवर कर ली है. कौन कौन सी? फ्रायड की थ्योरी पे बात कर चुके हैं हम लोग, और रोजर्स की थ्योरी पे बात कर चुके हैं. और हमें कौन कौन सी रह गई हैं? आइजेंक, इसके बाद एरिक्सन, और उसके बाद कैटल. ये इतना हमारे कोर्स में हमको कवर करना है. तो कुल मिला के काफी हिस्सा पर्सनैलिटी का कवर हो जाएगा. पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस दो ऐसे टॉपिक है जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एनी एग्जामिनेशन. आप बीट सब्जेक्टिव, बीट ऑब्जेक्टिव, बीट यू हैव टू फेस एनी इंटरव्यू, सब में पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस पर सवाल पूछे जाते हैं. और ये इतने यू कैन से कि गूढ़ विषय हैं कि आप इसको चाहे जितना पढ़ लीजिए, चाहे जितनी बार पढ़ लीजिए, तब भी कोई ना कोई इसका आस्पेक्ट ऐसा रह जाता है जिससे हम अनजान रह जाते हैं. इसलिए ये सारे टॉपिक्स हमें बहुत अंदर तक डीपली स्टडी करने की जरूरत है और समझ कर चलना है, कोरिलेट करना है कि एक थ्योरी दूसरी थ्योरी से किस तरीके से भिन्न है, किस तरीके से सिमिलर है, एनीथिंग एवरीथिंग. ओके, तो शुरू करते हैं आइजेंक. आइजेंक साहब ने पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहा, पहले यहीं से शुरू करते हैं कि उन्होंने पर्सनैलिटी की क्या डेफिनेशन दी. वैसे तो गॉर्डन ऑर्पर्ट की डेफिनेशन हम लोग पर्सनैलिटी पे पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर है और बहुत पसंद भी है मुझे, और बहुत मतलब याद करने के लिए भी अच्छी है, ईजी है. लेकिन इन्होंने कैसे डिफाइन किया पर्सनैलिटी को? पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ द एक्चुअल और पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ये कह रहे हैं कि व्यक्तित्व जो है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उसका एक्चुअल और पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न है, और वो भी सम टोटल, यानी कि सब कुछ समेकित रूप से जो हम बिहेव करते हैं, जो हमारे बिहेवियरल पैटर्न है, वो हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं एज डिटरमाइंड बाई हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. यानी कि जो कि हमारे हमको आनुवंशिकता से जो बिहेवियरल पैटर्न मिला है, जो हमको वातावरण से मिला है. तो आप अभी आगे पाएंगे कि आइजेंक जो है उन्होंने हेरिडिटी पे बहुत बल दिया, हेरिडिटी ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज पर्सनैलिटी. इसके मेरे लिए बहुत क्रिटिक भी हैं इनके, और इसीलिए ये विशिष्ट भी हैं. तो यही कहा इन्होंने कि जो पर्सनैलिटी है वो सम टोटल और एक्चुअल और पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न है ऑर्गेनिज्म का. इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप्स थ्रू द फंक्शनल इंटरेक्शन ऑफ द फोर मेन सेक्टर्स. ये कह रहे हैं कैसे विकसित होता है, कैसे उत्पन्न होता है. ये चार मेन सेक्टर हमारे हैं जो फंक्शनली इंटीग्रेट करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, और हमारा बिहेवियर पैटर्न बनाते हैं. कौन कौन से? कॉग्निटिव सेक्टर, हमारे इंटेलिजेंस. कोनेटिव सेक्टर, हमारा कैरेक्टर. इफेक्टिव सेक्टर, हमारा टेम्परामेंट. एंड द सोमेटिक सेक्टर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन. ये ध्यान देना होगा हमको कि ये सारी थ्योरीज जो हम पढ़ रहे हैं ये पुरानी थ्योरीज है, इसलिए ट्रेट थ्योरी के अंतर्गत आती है. आप जब भी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको दो एक मेजर क्लासिफिकेशन मिलेगा, ट्रेट थ्योरी एंड टाइप थ्योरी. तो जो अर्लियर थ्योरीज हैं वो ट्रेट थ्योरी के अंतर्गत आती हैं, जो बाद की थ्योरी हैं वो टाइप थ्योरी के अंतर्गत आती हैं. तो आपकी ये ऑल्पर्ट, कैटल और आइजेंक, ये ट्रेट थ्योरी के अंतर्गत आते हैं. मतलब इन लोगों ने पर्सनैलिटी को ट्रेट में तोड़ दिया, मतलब कि ये गुण हैं जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, जिसमें कि ऑल्पर्ट ने तो 4000 फैक्टर्स की बात की थी, जिसको खत्म करके मतलब कम करके कैटल साहब 16 PF, आपने बहुत पॉपुलर है कैटल का 16 PF पर्सनालिटी क्वेश्चनियर, तो वहां तक लाए. और ये तो तीन की बात करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो ये ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी का हिस्सा है. तो इन्होंने कहा कि ये जो ट्रेट है वो किस किस के इंटरेक्शन से बन रहा है? इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, टेम्परामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देन ही बिलीव्ड पर्सनालिटी इज लार्जली गवर्न्ड बाय बायोलॉजी. ये एक खास बात है जो इसके पहले नहीं कही जा रही थी, कि जो व्यक्तित्व है वो हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है, बायोलॉजी से गवर्न होता है ना. फिर ईच एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ए डिफरेंट बायोलॉजिकल कॉज. ये कह रहे हैं कि हमारे व्यक्तित्व का जो भी पक्ष है वो उसका जो कॉज है, उसका जो मूल है, वो क्या है? बायोलॉजिकल है. सॉरी. ठीक है. तो पर्सनैलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस बिटवीन एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन प्रोसेस ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. और ये कहा है क्या, मतलब बायोलॉजी से गवर्न होता है. कैसे बायोलॉजी से गवर्न होता है? हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारा हिस्सा मस्तिष्क का, उससे ये उसकी प्रोसेसेस पे ये डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है देखते हैं.
क्या है इनकी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. आइजेंक वॉज अ थियरिस्ट हु फोकस्ड ऑन द पर्सनैलिटी ट्रेट्स. मैंने कहा कि ये ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के अंतर्गत आएगा, तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट की बात कर रहे हैं. फिर ट्रेट है क्या? ट्रेट्स आर ब्रॉड बिहेवियरल एलिमेंट्स दैट डिफाइन हु यू आर. जो ट्रेट हैं वो हमारे विस्तृत व्यवहार के तत्व हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं, ये परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं. यानी कि जैसे डिसिप्लिन एक ट्रेट हो सकता है, पंक्चुअलिटी एक ट्रेट हो सकता है, ब्रॉड बिहेवियरल एलिमेंट, और सबसे खास बात कि वो कंसिस्टेंटली भी शो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज हम डिसिप्लिन हैं और कल डिसिप्लिन नहीं है तो हमारा वो ट्रेट हो जाएगा. ट्रेट मतलब कंसिस्टेंटली हमारे बिहेवियरल पैटर्न में उसको दिखना चाहिए. फिर आइजेंक डिस्क्राइब वंस पर्सनैलिटी एज ए हायरार्की ऑफ ट्रेट. आइजेंक कह रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो ट्रेट की हायरार्की है, मतलब उसमें भी छोटा बड़ा है कि कौन सा ट्रेट प्राइमरी ट्रेट है, फिर कौन सा सेकेंडरी ट्रेट है, कौन सा सुपरफिशियल ट्रेट है, इस तरीके से. फिर आइजेंक प्रपोज्ड अ थियरी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर. ये हमको क्लियर हो गया कि इन्होंने जो पर्सनैलिटी थियरी दी है वो हमारे जैविक गुणों पर दी है, हमारे बायोलॉजी के वो फैक्टर पर डिपेंड करता है. आर्ग्यूइंग दैट इंडिविजुअल्स इनहेरिट अ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू लर्न एंड अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट. ये कह रहे हैं कि जो व्यक्तित्व व्यक्ति है वो नर्वस सिस्टम इनहेरिट करता है, उसको माँ बाप से वो नर्वस सिस्टम मिलता है जो कि ये तय करता है, प्रभावित करता है कि हम क्या सीखेंगे, सीखने की योग्यता क्या है, और हम वातावरण के संग कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं. और आपको पता है कि इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, है ना. तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी जो है वो हेरिटेबल है. कौन कह रहा है? आइजेंक कह रहे हैं. फिर ही यूटिलाइज्ड अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक नोन एज फैक्टर एनालिसिस. कैटल ने भी फैक्टर एनालिसिस करके ही 16 फैक्टर हमको निकाल के दिए थे. इन्होंने भी उसी तकनीक का इस्तेमाल किया और इन्होंने क्या कहा, दिस टेक्निक रिड्यूसेस, इन्होंने क्या किया, कम कर दिया ना, 16 बहुत ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था तो उसको कम करके ले आए. बिहेवियर टू ए नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर अंडर ए सेपरेट हेडिंग कॉल्ड डायमेंशंस. इन्होंने कहा कि हम उस फैक्टर को कम कर दे रहे हैं और कम करके ये जो एक सेपरेट डायमेंशन सेपरेट हेडिंग पर लेकर आया उसको उन्होंने डायमेंशन या आयाम नाम दिया. और इन्होंने शुरू में माना कि दो प्राइमरी डायमेंशन है बस हमारी पर्सनैलिटी को गवर्न करने के लिए, डिफाइन करने के लिए. कौन कौन से? एक्स्ट्रावर्जन, जिसको एक्स्ट्रोवर्जन भी मिलेगा आपको कहीं कहीं, और न्यूरोटिसिज्म. मतलब एक्स्ट्रावर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म, ये दो प्राइमरी डायमेंशन की बात ये शुरुआत में करते हैं. फिर बाद में क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद ये एक तीसरा भी उसमें डायमेंशन ऐड कर देते हैं जो कि साइकोटिसिज्म के नाम से जाना जाता है. ही लेटर एडेड अ थर्ड डायमेंशन और साइकोटिसिज्म. तो कितने हो गए? एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म. आइजेंक कॉल्ड दीज सेकंड ऑर्डर पर्सनैलिटी ट्रेट, और इन्होंने इसको सेकंड ऑर्डर पर्सनैलिटी ट्रेट का नाम दिया, फर्स्ट ऑर्डर का नाम नहीं दिया है. क्यों? क्योंकि हायरार्की की बात करें ना, ये कैटल के फैक्टर को फर्स्ट ऑर्डर मान रहे हैं और फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर मान रहे हैं, इस तरीके का है. अच्छा, अगर इस डायमेंशन को हम फिगर आउट करें तो हम क्या पाएंगे कि एक्स्ट्रावर्जन है, ठीक है, इसी का ये स्केल है ना, तो एक तरफ हाई हो जाएगा और एक तरफ लो हो जाएगा. तो जहां लो है, जब हम लो एक्स्ट्रावर्जन है हमारे पास, तो हम क्या है, अनसोशिएबल है, कॉशियस है, जिसको इंट्रोवर्ट कहा जाएगा. लेकिन यही एक्स्ट्रावर्जन का अगर स्केल पे हम हाई स्केल पर हैं, दूसरे एंड पे हैं, तो हम सोशिएबल हैं, सेंसेशन सीकिंग है ना. यहाँ पे हम ज्यादा लोगों से मिलना इतना कॉमन है ना. इंट्रोवर्ट का मतलब कि हम लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, हम स्व में स्थित रहते हैं, हमको एकाकीपन पसंद है. और अगर वही हम एक्स्ट्रोवर्ट होंगे तो हमको घूमना फिरना, सोशल होना, सोशली काम में इन्वॉल्व होना पसंद है. देन न्यूरोटिसिज्म का क्या मतलब है? अगर न्यूरोटिसिज्म में लो है, यानी कि इसमें हम लो स्केल पर है, दूसरे एंड पे है जहाँ ये लो है, तो हम क्या रहते हैं, काम, रिलैक्स्ड, है ना. और यही अगर हाई है हमारे पास तो हम क्या रहेंगे, टेंस रहेंगे, एनेक्शियस रहेंगे, इरेशनल रहेंगे, है ना. यानी कि दूसरे एक एंड पे हम शांत हैं, हम एकदम रिलैक्स हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेन नहीं है. लेकिन इसी का दूसरा जो स्केल है, दूसरा पॉइंट है, जो वहां पे ये सारी चीजें बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, टेंशन. ओके, देन साइकोटिसिज्म में क्या है, साइकोटिसिज्म अगर लो है तो हम क्या है, नॉन एग्रेसिव है, वार्म, अवेयर ऑफ अदर्स. यानी कि हम एग्रेसिवनेस नहीं शो करेंगे, हम दूसरे से खुश मिजाजी से, गर्म जोशी से मिलेंगे और हम दूसरों की फिक्र करेंगे, यू कैन से. और यही अगर हाई है तो हम एग्रेसिव होंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, लैकिंग इन फीलिंग हो जाएंगे. अच्छा, अब नेक्स्ट डायग्राम देखिए. पहले इन्होंने एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिसिज्म की बात की थी, साइकोटिसिज्म इन्होंने बाद में जोड़ा है. तो जब इन्होंने पहले बात की थी तो ये क्या बात करते हैं, ये कहते हैं जब न्यूरोटिक है व्यक्ति तो अनस्टेबल इमोशंस उसके पास हैं, लेकिन दूसरे एंड पे क्या है, स्टेबल इमोशन हो जा रहा है.
इसी तरह एक्स्ट्रावर्जन का एक हिस्सा एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी और दूसरे हिस्से पे वो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है। तो इन्होंने इसको चार भागों में बांट दिया और सबका नाम भी दिया है। देखिए, अगर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है और न्यूरोटिक है, अनस्टेबल इमोशन है, तो व्यक्ति कैसा होगा? मूडी, एनेक्शियस, रिजिड, पेसिमिस्टिक, अनसोशल, क्वाइट, और इसको नाम दिया इन्होंने मेलेनकोलिक। फिर अगर व्यक्ति न्यूरोटिक है लेकिन एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है तो टची होगा, रेस्टलेस होगा, एग्रेसिव होगा, एक्साइटेबल, इम्पल्सिव, एक्टिव, नाम दिया कोलेरिक। उसी तरह से सैंग्विन होगा तो स्टेबल इमोशंस तो है और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी है। देखिए यहाँ सब बढ़िया बढ़िया है, सोशिएबल है, टॉकेटिव है, रिस्पॉन्सिव है, इजी गोइंग है, लाइवली है, केयर फ्री है, लेकिन स्टेबल इमोशन तो है लेकिन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, तो कैसा होगा? पैसिव होगा, थॉटफुल होगा, पीसफुल होगा, कंट्रोल्ड होगा, रिलायबल होगा, काम होगा। यानी कि इस हिस्से में यहाँ सारी चीजें ठीक आ रही हैं और इधर थोड़ा सा अनस्टेबल इमोशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो चीजें थोड़ी बिगड़ रही हैं। तो मेलेनकोलिक, कोलेरिक, सैंग्विन और फ्लेगमेटिक, ये इन्होंने शुरुआत में क्लासिफिकेशन दिया था। इसीलिए कई बार जब हम आइजेंक को पढ़कर निकल जाते हैं तो हम सिर्फ इतना जानते हैं आइजेंक के बारे में कि आइजेंक ने जो पर्सनैलिटी थ्योरी दी है उसने चार प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, मेलेनकोलिक, कोलेरिक, सैंग्विन और फ्लेगमेटिक, और ये ब्लड के आधार पर है। हम लोग शुरुआत में बीएड की कुछ किताबों में इस तरह से आइजेंक की पर्सनालिटी देखने को मिलती है। ये इतना क्लैरिफिकेशन और डीपर एनालिसिस वहां नहीं होती कि बाद में उन्होंने साइकोटिसिज्म जोड़ा और क्या 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 क्या, तो इतना ही जान के हम कई बार रह जाते हैं, पर इससे और भी ज्यादा आइजेंक की थ्योरी के बारे में है। क्या है और एक्स्ट्रावर्जन, क्या कह रहे हैं वो एक्स्ट्रावर्जन को? हम अगर इन जनरल एक्स्ट्रावर्जन पे बात करें तो हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति एक्स्ट्रोवर्ट है, उसको बाहर घूमना फिरना मिलना जुलना लोगों से पसंद है। लेकिन आइजेंक ने इसको कैसे डिफाइन किया? आइजेंक कह रहे हैं कि इम्पल्सिव है व्यक्ति, है ना, सोशियबिलिटी का उसमें गुण है, तो वो कह रहे हैं जो इम्पल्सिवनेस का गुण है, द इम्पल्सिवनेस ऑफ एक्स्ट्रावर्जन इज एसोसिएटेड विद हेरिडिटरी ट्रेट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इम्पल्सिवनेस तो हमको आनुवंशिकता से मिल रहा है, टेम्परामेंटल ट्रेट है, लेकिन सोशियबिलिटी एस्पेक्ट हमको एक्स्ट्रावर्जन का कहाँ से मिल रहा है? वातावरण से मिल रहा है। तो इतना इन्होंने डीप एनालिसिस किया है इसका। फिर ये कहते हैं कि आइजेंक प्रपोज दैट एक्स्ट्रावर्जन वाज कॉज्ड बाय वेरिएबिलिटी इन कॉर्टिकल अराउजल। ये सारा चूंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से इन्होंने जोड़ा है पर्सनैलिटी को, इसीलिए ये मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम से बार बार इसको कनेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि एक्स्ट्रावर्जन क्यों होता है व्यक्ति में? जब उसके कॉर्टिकल अराउजल में कुछ वेरिएबिलिटी हो जाए, कुछ विभिन्नता हो जाए। और कॉर्टिकल अराउजल क्या हिस्सा है? कि मस्तिष्क का हिस्सा है जो बहुत सारी चीजें गवर्न करता है। ही हाइपोथेसाइज दैट इंट्रोवर्ट are characterized by higher levels of activity than extroverts and so are chronically more cortically aroused than extrovert. वो कह रहे हैं कि जो introvert होते हैं वो ज्यादा cortically aroused होते हैं, इसीलिए वो दूसरे end की तरह behave करते हैं, जबकि extroversion दूसरी तरीके से behave करते हैं। ठीक है, फिर न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन का दूसरा एंड क्या है? इंट्रोवर्जन। इजी है, उसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं। न्यूरोटिसिज्म का क्या है? न्यूरोटिसिज्म का दूसरा जो एंड है वो स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी। यानी कि न्यूरोटिक होंगे तो आप इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन लेस न्यूरोटिक होंगे तो हम इमोशनली स्टेबल होंगे। न्यूरोटिसिज्म रिफर टू वंस इमोशनल स्टेबिलिटी और लैक देयर ऑफ, है ना। क्या बताता है ये कि या तो हम इमोशनली स्टेबल है या हम में इसकी कमी है। इट रेजेस द इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, ये इमोशनल रिएक्शंस की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। बता रहे हैं ना कि पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस, आइजेंक हमको बता रहे हैं कि ये हेरिटेबल है, ये इट कैन बी हेरिटेटेड, इट कैन बी डिपेंडेंट अपॉन हेरिडिटी, है ना, जिसकी बात कोई और पहले नहीं कर रहा था। तो इस और ये क्या कह रहे हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है, उसके फंक्शन में आता है इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना। फिर क्या कह रहे हैं? Individuals who measure high in neuroticism, वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो high है neurotic होने में, वो क्या करते हैं? More likely to suffer from neurosis, उनको वो neurosis से सफर करते हैं, मतलब परेशान रहते हैं। But a stable person's nervous system will generally be less reactive to stressful situation, remaining calm and level-headed. क्या कहा जाता है? जो शांत व्यक्ति होता है वो जल्दी सिचुएशन बिगड़ने पे उत्तेजित नहीं होता है, रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है, जो उसका नर्वस सिस्टम जो उस पर काम कर रहा है, वो लेस रिएक्टिव है। और वही अगर न्यूरोटिक व्यक्ति होगा तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्ट्रेस्ड हो जाएगा, एनेक्शियस हो जाएगा,
करेगा और कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो उसको नहीं करनी चाहिए. फिर इन द न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी डायमेंशन पीपल हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म टेंड टू बी, बताया ना मैंने कि जो न्यूरोटिक लेवल पे हाई है वो एनेक्शियस होंगे और उनका जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ओवर एक्टिव होता है. इन कंट्रास्ट पीपल हाई ऑन स्टेबिलिटी, और दूसरी अगर दूसरा छोर पे क्या है, व्यक्ति जो है स्टेबल है, एक छोर पे व्यक्ति क्या है न्यूरोटिक है. तो जो व्यक्ति स्टेबल है तो वो क्या करेगा, टेंड टू नीड मोर स्टिमुलेशन टू एक्टिवेट देयर फ्लाइट और फाइट रिएक्शन. मतलब वो बहुत काम रहता है, उसको ज्यादा स्टिमुलेट करोगे तब वो उस दिशा में जाएगा जहां पे वो कुछ इस तरीके का रिएक्शन दे, जबकि न्यूरोटिक व्यक्ति तुरंत लेस स्टिमुलेशन मिलने पर ही फ्लाइट और फ्राइट की सिचुएशन में चला जाता है. अब फ्लाइट और फ्राइट की सिचुएशन क्या है, भय की स्थिति होती है तो क्या करता है व्यक्ति, या तो फ्लाइट करेगा, उड़ जाएगा वहां से यानी कि भाग जाएगा वहां से, या फाइट करेगा. तो ये तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, है ना. Then he also hypothesized that neuroticism was determined by individual differences in the limbic system, the part of the human brain. एक्स्ट्रावर्जन की क्या बात की गई थी कि वो कॉर्टिकल अराउजल के वेरिएशन से पे डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है न्यूरोटिसिज्म क्या है, ये लिम्बिक सिस्टम पर डिपेंड करता है. और लिम्बिक सिस्टम क्या है, ह्यूमन ब्रेन का हिस्सा है और इन्वॉल्व किसमें होता है, इमोशन मोटिवेशन एंड इमोशनल एसोसिएशन विद मेमोरी. क्यों, क्योंकि सारी बात ही किसकी चल रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात चल रही है. ओके, देन साइकोटिसिज्म क्या है, इट वॉज एडेड टू आइजेंक्स थ्योरी वेल आफ्टर आइडेंटिफाइंग एक्स्ट्रावर्जन इन न्यूरोटिसिज्म. बहुत उन्होंने एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिसिज्म पे काम कर लिया, फिर इन्होंने लास्ट में साइकोटिसिज्म को जोड़ा है. इट इनकॉर्पोरेट ट्रेट्स ऑफ डोमिनेंस, लीडरशिप, डोमिनेंस, सबमिशन, सेंसेशन सेकिंग एंड द लैक ऑफ सुपरियो, ये सारी चीजें. तो साइकोटिसिज्म के दूसरे एंड पे क्या है, Children who score high on a measure of psychoticism tend to have behavior problems. यानी कि अगर हम psychotic measure पे high end पे रहते हैं तो हमको behavior problem होती है, learning difficulty हो सकती है, हम loner हो सकते हैं, हमको अकेला एकाकीपन पसंद हो जाएगा, हम school छोड़ देंगे, commit crime यानी कि कुछ गुनाह कर सकते हैं, and are generally disliked by teachers and peers. और हमको हमारे दोस्त और हमारे अध्यापक नहीं पसंद करते हैं अगर हम psychoticism में higher end पे हैं तो, और वही lower end पे हैं तो everything will be cool and under control. Okay. Then strength क्या है आइजेंक की थ्योरी की, हम क्यों आइजेंक की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे बात कर रहे हैं. The major strength of Eysenck's model is that he was one of the first to make his approach more quantifiable. देखिए पर्सनैलिटी की जो ज्यादातर क्रिटिक यही कहते हैं कि वो empirically verifiable नहीं है, उसको कैसे हम जांचें, उसका हम कैसे validity, reliability में दिक्कतें हैं, है ना. लेकिन जो आइजेंक है उनकी थ्योरी की यही स्ट्रेंथ है कि इन्होंने इसको क्वांटिफाइबल बनाने का प्रयास किया. तो क्वांटिफाइबल बनाने का प्रयास किया मतलब कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. इट वॉज देयरफॉर परसीव्ड टू बी मोर लेजिटिमेट एज अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज इज दैट दे आर नॉट एम्पिरिकली वेरीफाइबल, है ना. यही कहा जा रहा है कि साइकोलॉजिकल थ्योरी की यही हमको कमी निकल के आती है कि आप उसको एम्पिरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन आइजेंक की थ्योरी के संग ऐसा नहीं आप कर सकते हैं. देन वन गुड एलिमेंट ऑफ आइजेंक थ्योरी इज दैट इट टेक्स इन टू अकाउंट बोथ नेचर एंड नर्चर. देखिए शुरुआत में जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन वो बता रहे हैं, वहीं पे वो बता रहे हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से गवर्न होगी. तो कोई भी देखो आप एक्सट्रीम एंड पे जाओगे, अगर सिर्फ आप हेरिडिटी की बात करोगे तब भी आप गलत हो, अगर आप सिर्फ एनवायरनमेंट की बात करोगे तब भी आप गलत हो. और चूंकि ये दोनों को लेकर चल रहे हैं तो ये इनकी एक स्ट्रेंथ है इनकी थ्योरी की. आइजेंक्स थ्योरी आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस टुवर्ड्स सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स कंबाइंड विद कंडीशनिंग एंड सोशलाइजेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड इन ऑर्डर टू क्रिएट अवर पर्सनैलिटी. वो कहते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन है कुछ ट्रेट के अकॉर्डिंग, वो हम कंडीशन होता है, सोशलाइजेशन होता है हमारे बाल्यपन बाल्यावस्था में, और वही हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करता है. अच्छा तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आइजेंक क्या हो गए, ट्रेट थ्योरी वाले हो गए, फिर इन्होंने कैटल की थ्योरी का एक तरह से कह सकते हैं विस्तार किया या उसको और डीपर लेवल पे समझने की कोशिश की है. कैटल की थ्योरी से इनका विवाद नहीं है. फिर इन्होंने पहले क्या बताया, एक्स्ट्रावर्जन न्यूरोटिसिज्म बताया, बाद में साइकोटिसिज्म जोड़ा. लेकिन जो और साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने कहा कि कैटल की थ्योरी तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, और जबकि इन्होंने तो बहुत ही छोटा मतलब तीन 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 फैक्टर से आप पर्सनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग की पर्सनैलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है. सो अब एक नया कंसेप्ट आ गया है जिसको आप बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट के नाम से ढूंढ सकते हैं. तो रिसर्चर्स ने साइकोलॉजिस्ट ने और रिसर्चर्स करके बताया कि नहीं 16 बहुत ज्यादा और 3 बहुत कम है, तो कुछ बीच का लेके चलते हैं जिसको इसकी एब्रीविएशन नाम आप याद कर सकते हैं एक्रोनिम के नाम से, ओशन. O for openness, C for conscientiousness, E for extraversion, A for agreeableness and N for neuroticism.
तो ये एक नया कंसेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि आइजेंग का कंसेप्ट नहीं है, ये ना हो कि एक्स्ट्रा वर्जन का नाम देके हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि बिग फाइव भी हो सकता है आइजेंग ने दिया। नहीं, आइजेंग ने सिर्फ दो दिए थे, बाद में तीसरा जोड़ा है। बिग फाइव दूसरा कंसेप्ट है, दूसरे लोगों ने बात की इसको। ठीक है, एक और थ्योरी पर्सनैलिटी की खत्म। और अब मुझे कैटल, आइज और इरिक्सन बतानी, दो और बतानी है, तो पर्सनैलिटी आई विल कवर। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एक्सप्लोर एजुकेशन एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप 2, एंड डन फ्रॉम माई सेट।